फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सी लुक डिस शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल की। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लुक डिस शेड्यूलिंग का न्यूमेरिकल देखा था और हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स और बची हुई हैं। वैसे सी लुक जो है वो बेसिकली हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि हमें कोई सर्कुलर वर्जन चाहिए था लास्ट रिक्वेस्ट तक के लिए। ठीक है, लुक जो है वो लास्ट रिक्वेस्ट तक जा रहा था, ना कि लास्ट ट्रैक तक। देखिए, मैंने एक थर्ड पॉइंट लिखा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्कैन एल्गोरिथम, जिसमें वेटिंग टाइम का प्रॉब्लम आया, तो हम सी लुक पे गए। सी लुक ने वेटिंग टाइम को ओवरकम कर दिया, बट हमारे मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए। फिर हमारे सॉरी सी स्कैन ने हमारे वेटिंग टाइम को कम कर दिया, बट हमारे जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए। फिर हम आगे बढ़े तो हम लुक पे पहुँच गए। लुक ने ऐसा बताया कि मैं मूवमेंट्स आपके जो है वो कम कर लूँगा, मगर मैं एक ही दोनों डायरेक्शन में काम करूँगा। तो दोनों डायरेक्शन में काम करने की वजह से हमारे पास वापस प्रॉब्लम आने लग गई वेटिंग टाइम की। तो फिर हमारे पास अवेलेबल हुआ सी लुक, और सी लुक ने ऐसा बोला कि मैं एक ही डायरेक्शन में काम करूँगा, लास्ट रिक्वेस्ट तक जाऊँगा, ना कि लास्ट ट्रैक तक। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हमारे पास कौन आया? सी लुक आया। बट सी लुक के साथ भी कोई प्रॉब्लम बची है अभी? क्या सी लुक हमारे लिए बेस्ट मेथड है? क्या रियल टाइम में हम सी लुक ही यूज़ करते हैं? इन सबको देखने के लिए हम ये लेक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले सी लुक की डेफिनेशन देख ली जाए तो दिस इज द मोर एडवांटेजियस वर्जन ऑफ ऑल द डिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बिकॉज इट हैज़ बोथ सी स्कैन एंड लुक प्रॉपर्टी। इसके पास दोनों के ही जो एडवांटेजेस हैं वो अपने इसके पास अवेलेबल हैं। अब काम कैसे करता है सी लुक वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एज यूजुअल हर बार की तरह 201 सिलेंडर्स है, 0 to 200, और कुछ सिलेंडर्स के रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। ठीक, तो हमारा इनिशियल जो हेड है वो 100 पे है, तो ये 100 पे मेरा हेड अवेलेबल है। अगर डायरेक्शन गिवन है तो हमें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, अगर नहीं गिवन है तो हमें इंक्रीजिंग वाले नंबर, जो बड़ा नंबर रहेगा, उस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है और हम हमारी लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुँच गए हैं। हम लास्ट ट्रैक तक नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये लुक मेथड है। ठीक है, लुक बोलती है कि लास्ट रिक्वेस्ट तक जाओ, तो हमने लुक के एडवांटेज को फॉलो कर लिया। अब इसके आगे सी भी लगा हुआ है, तो सी जो है सर्कुलर जो है वो ऐसा बोलता है कि आप दूसरे कॉर्नर तक मत जाइए, आप आपकी जो डायरेक्शन है उसको सेम ही डायरेक्शन में रखिए, एक ही डायरेक्शन में काम करने दीजिए। तो हम कहाँ पर चले गए? हमारे फर्स्ट रिक्वेस्ट, जो हमारा फर्स्ट ट्रैक जहाँ से हमको रिक्वेस्ट आई थी वहाँ पर चले गए। तो हम हमारे फर्स्ट ट्रैक पे चले गए और वापस हमने सेम डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सी लुक ने दोनों ही एडवांटेजेस को लिया। स्कैन सी स्कैन वाले एडवांटेज को भी इसने ग्रास्प करा। कैसे? यहाँ 145 से फर्स्ट रिक्वेस्ट तक, लास्ट रिक्वेस्टेड ट्रैक से लेके फर्स्ट रिक्वेस्टेड ट्रैक तक जाने का इसने हमको परमिशन दी। और लुक के एडवांटेज को भी ग्रास्प किया, मतलब कि अगर हमारे पास लास्ट रिक्वेस्ट है, लास्ट रिक्वेस्टिंग ट्रैक है, तो हम लास्ट ट्रैक तक अननेसेसरी ट्रेवल ना करें, मतलब मैं 200 तक ट्रैवल ना करूं। और इधर भी सेम ऐसे ही 30 हमें पता है, तो हम 0 तक ट्रैवल ना करें और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट परफॉर्म करते रहें। तो सी लुक से इस तरह से हमको हमारा सारे टोटल आर्म मूवमेंट जो है वो मिल गए। इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है। ये कैलकुलेशन एज इट इज़ वैसे ही है जैसा हमने पहले परफॉर्म किया था। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, 145 से लेके 30 तक हमने किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी भी रिक्वेस्ट को हमने रीड या राइट परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। बट फिर भी मैंने लिखा है 145 माइनस 30 आर्म मूवमेंट, क्योंकि आर्म जो है वो मूव तो हुआ है एक डायरेक्शन, एक ट्रैक से लेके दूसरे ट्रैक तक। तो जो मूवमेंट है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर चाहे हम कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, हम बिना कुछ पढ़े ही आगे बढ़ जाएं। तो हमने इतना टाइम और इतना मूवमेंट जो है वो तो ट्रैवल किया है, तो इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे 145 टू 30 को। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में भी मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तो हमारा टोटल आर्म मूवमेंट 220 हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात आती है कि क्या सी लुक हम रियल लाइफ के सिचुएशंस में सी लुक यूज़ करते हैं? तो सी लुक की भी अपनी खुद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं, जो यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम कंपेयर टू लुक एंड लेस मूवमेंट कंपेयर टू सी स्कैन। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे इधर की लास्ट जो ट्रैक है 200 के जस्ट पहले, मुझे वापस देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रैक जो है वो हमारा लास्ट है, इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है।
और इस तरह स्टार्टिंग में भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमारे पास कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर है व्हेन मोर लोड देन दिस इज़ नॉट प्रेफर्ड। अगर हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है तो ये हम प्रेफर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी तो ये हमारे पास स्टैटिक डेटा है, मैंने पहले से बता दिया कि ये सिलेंडर्स के रिक्वेस्ट आई है, क्यू में ये सिलेंडर है, तो 145 पे हमने एंड कर दिया। मगर बट मे पॉसिबल आगे जाके, क्योंकि हम 200 तक नहीं जा रहे हैं, तो मे पॉसिबल 165, 167, 172 ऐसे भी कुछ सिलेंडर जो हैं वो अपनी रिक्वेस्ट दें, तो उन्हें भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे तो जा ही नहीं रहे, तो हम उन्हें पढ़ेंगे ही कैसे? तो ऐसी सारी सिचुएशंस जहाँ पे लोड या तो स्टैटिक है या फिर हैवी लोड नहीं है, वहाँ पर सी लुक जो है वो बहुत बेस्ट सिचुएशन या बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ काम करेगी। अदरवाइज हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी एल्गोरिथम्स जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास अवेलेबल है। ओके, थैंक यू। हमारे यहाँ इस लेक्चर के साथ सारी डिस शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल जो है वो मैंने आपको परफॉर्म करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। डेडलॉक के न्यूमेरिकल्स बच गए हैं, तो हम डेडलॉक और पेजिंग के न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।